What's up YouTube family, this is Avinash with Official Fitness Abhi. Welcome back with new video. काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आज जो मेन टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, शोल्डर वर्कआउट के बारे में. बेसिकली मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है शोल्डर पे, क्योंकि ऐसे भी हमको मेन फिजिक कॉम्पिटिशन के लिए कम्पीट करना है, तो उसमें रूल्स होते हैं, जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा मेन फोकस करते हैं कि आपका शोल्डर जो है ब्रॉड हो, वेस्ट लाइन जो कमर का एरिया है वो लीन हो. तो वैसे ही मैंने अपना जो है शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, जैसे कि आप खुद देख रहे होंगे शोल्डर पे कैसे मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ. तो जो नॉलेज है मेरे पास शोल्डर वर्कआउट से रिलेटेड, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो. तो सबसे पहले बात करें, जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले अच्छे से वार्म अप कर लीजिए शोल्डर का. लाइट वेट लेके आपको एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन आपको पहले अप्रॉक्स रेप्स ज़्यादा करने और सेट्स 1-2 और आपके रेप्स जो हैं काफ़ी इंक्रीज रहेगा, सेट्स आपके 1-2 के पास रहेगा. एक आप इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन भी ये कर सकते हैं कि आपका जो इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी मसल्स हैं, जो भी आपके वहाँ पे रोटेटरी कफ मसल्स हैं, वो अच्छे से वार्म अप हो जाए. उसकी वजह से पुशअप्स भी मार सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. और जब ये अच्छे से वार्म अप हो जाए तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको जो करना वो है आर्नोल्ड प्रेस. जी हाँ, आर्नोल्ड प्रेस में ये रहता है कि जब भी आप प्रॉपरली आप लाते हो, जैसे आप डंबल प्रेस करते हैं, सेम वे आर्नोल्ड प्रेस में भी आप ऐसे नीचे लाओगे फिर आप फ्रंट पे लाओगे, तो इससे ये रहता है कि आपका जो लैटरल और मीडियल डेल्टॉइड है वो पहले हल्का ट्रेन होगा, प्रेसर आएगा, फिर आप उसी चीज़ को एंटीरियर पे लेते आ रहे हो तो आपके जो एंटीरियर डेल्टॉइड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो पहला सेट जो है थोड़ा लाइट वेट के थ्रू कीजिए, उसके बाद से प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट इंक्रीज कीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. अभी जैसा कि हालांकि मैं अभी बल्किंग मोड पे चल रहा हूँ, 14 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया अपना बल्किंग का, तो अब मेरा मेन फोकस है कि जितना प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं उठा पाऊँ, वेट जितना इंक्रीज कर पाऊँ, 8-10 रेप्स के बीच में ही होना चाहिए. तो अब देखते हैं क्या होता है, जो रिजल्ट दिखेगा उसी के तरह मैं आपको बताऊंगा. तो ये था पहला एक्सरसाइज आर्नोल्ड डंबल प्रेस का. उसके बाद से बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द नेक को भी आप वार्म अप में ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये कि आपका जो जब आप बिहाइंड द नेक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बारबेल ले लिए और उससे कर लिए, आप जैसे लैट पुल डाउन करते हैं वैसे ही आप रिवर्स होकर लैट पुल डाउन कीजिए, कि जैसे कि आपका जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड और रियर डेल्ट है उस पर अच्छे से वार्म अप हो सके. तो एक ये दो एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया आर्नोल्ड प्रेस और साथ ही साथ बिहाइंड द नेक, दो ऐसे एक्सरसाइज कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट में. उसके बाद से जो सेकेंड फेज आएगा आपका, जहाँ आपका मेन फोकस रहेगा, वो रहेगा केबल फेस पुल. इसमें क्या रहता है, केबल फेस पुल में आप प्रॉपरली लाइए, फोर हेड तक टच कराइए, जैसे कि आपका जो यहाँ पे रियल डेल्ट है उस पर मेन फोकस हो सके. तो ये केबल फेस पुल काफ़ी अच्छा है, आप 3 सेट लगा सकते हैं या 2 सेट, मैक्सिमम जितना आप वेट ले जा सकते हैं. फिर आता है फ्रंट डंबल रेजर्स. फ्रंट डंबल रेजर्स से आप एंटीरियर डेल्टॉइड पे अच्छा खासा मेन माइंड मसल कनेक्शन फोकस कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है. फिर बात करेंगे लैटरल डंबल रेजर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लैटरल डंबल रेजर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ केबल के थ्रू भी कर सकते हैं. मेन फोकस आपका होना चाहिए कि जो माइंड और मसल्स का कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे. तो एक फ्रंट डंबल रेजर्स, लैटरल डंबल रेजर्स या केबल फ्लाई के थ्रू भी आप कर सकते हैं. साथ ही साथ मैंने आपको बताया बिहाइंड द नेक, आर्नोल्ड प्रेस और वार्म अप के लिए आपको एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन ये करना जरूरी है. फिर बात करेंगे ओवरहेड प्रेसेस, या आप मशीन के थ्रू भी शोल्डर प्रेस कर सकते हैं. आप ओवरहेड प्रेसेस करते हैं, यस राइट, बट उसमें मेन दिक्कत ये रहता है कि अगर आप पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सपोर्ट ले रहा हूँ और आपने ये ओवरहेड प्रेसेस किया, तो अगर आप नहीं लेते हो, आप खड़े खड़े ऐसे करते हो, ठीक है, विदाउट सपोर्ट, तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो हाइट, जो सब बेसिकली बोलते हैं जिम जाने बाद से हाइट रुक सकती है, मेन रीजन यही होता है. ओवरहेड प्रेसेस में ये होता है कि आप ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो विदाउट सपोर्ट, तो वहाँ के जो वर्टिब्रा है, जो हम लोग के स्पाइनल कोड के वर्टिब्रा है, वो थोड़ा धीरे धीरे कंप्रेस होने लगे. जब ऊपर से लोड पड़ेगा स्पाइनल एरिया में, तो वहाँ के जो वर्टिब्रा होते हैं वो कंप्रेस होते रहते हैं, तो एक सर्टेन टाइम पे वो कंप्रेस होते होते उसका लेवल वहीं तक हो जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है हाइट इंक्रीज करने में. तो कोशिश कीजिए जब भी आप ओवरहेड प्रेसेस लगा रहे हैं तो किसी का सपोर्ट ले लीजिए. अगर वो नहीं करना है तो आप मशीन के थ्रू भी शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे मशीन भी रखा रहता है शोल्डर प्रेस का, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. फिर बात करेंगे रियल डेल्ट मशीन फ्लाई और रियल डेल्ट मशीन फ्लाई, जैसे कि आप लोग मशीन फ्लाई हम लोग करते हैं वैसे ही आप उल्टा रियल डेल्ट फ्लाई कर सकते हैं. और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि क्रॉस ओवर रियल डेल्ट,
यानी कि जो क्रॉस ओवर हम लोग केबल से पकड़ के इस तरह करते हैं, केबल से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, आर्नोल्ड डंबल प्रेस बिहाइंड द नेक, केबल फेस पुल, फ्रंट डंबल रेजेस, लैटरल डंबल रेजेस या केबल के थ्रू भी लैटरल रेजेस कर सकते हैं, ओवर हेड प्रेसेस, मशीन शोल्डर प्रेसेस भी कर सकते हैं साथ में उसके साथ, या रियर डेल्ट मशीन फ्लाई या क्रॉस ओवर रियर डेल्ट फ्लाई। ये सारी एक्सरसाइजें हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और कोशिश कीजिए कि डेल्टॉइड मसल्स या शोल्डर मसल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप एज अ रिजल्ट मेरा देख सकते हैं कैसे मेरा शोल्डर का पूरा बनाया हूँ मैंने इसको, मतलब ट्रेंड किया हूँ अच्छे से। अब कंपटीशन नियर आ रहा तो उस हिसाब से हमको शोल्डर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा, और बल्किंग फेस वैसे ले गया हूँ कि थोड़ा मसल मास आए, जैसे कि जब पोजिंग मारे तो ये ना हो कि पूरी हड्डी दिखे, मसल मास ज़्यादा जरूरी है, और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो जितना बनना था बन गया। तो अब पूरा मेन फोकस है बल्किंग पे, और सरप्लस डाइट किया हूँ, अपनी डाइट को सरप्लस में इंक्रीज कर दिया हूँ कैलोरी को, और अब जितना भी ओवर जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में मैं वेट बढ़ाऊँ वो पूरा मेरा नोट डाउन हो रहा है कि आज मैंने अगर इतना वेट किया है तो अगले सेशन में उसका थोड़ा ज़्यादा वेट इंक्रीज करना है, जैसे कि मैं मसल मास इंक्रीज कर लूँ। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, आई होप आज की वीडियो काफ़ी इफेक्टिव रही होगी आप लोगों के लिए, और जाके शोल्डर वर्कआउट कीजिए विथ नोट डाउन कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो और कितना इफेक्टिव है, और अपना हर टाइम PR हिट कीजिए। पर्सनल रिकॉर्ड के साथ साथ आप अपना जो जेन्युइन आपका एक और नाम हम लोग रखे थे कल PR से हम लोग रखे थे पोटेंशियल रिकॉर्ड। आई होप आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और स्टे ट्यून्ड विथ अस ऑफिशियल फिटनेस अभी साइन ऑफ।